जैसा कि देख सकते हैं दोनों कॉम्पिटिटर लाइन में खड़े हो गए हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दोनों ही शौक में हुए हैं। आप पोज भी हम बताएं। हाँ ये शूट करने आते हो तो फिर खुद ही पोज डिसाइडेड क्या है करो। आने जैसे पोज करते हैं भाई। अब मैं कह रहा हूँ लेफ्ट पे आना राइट पे आना। वही गलती से वो 70 चला चला के ना कभी इनका गियर अट जाता कुछ हो जाता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो आप सबको फजूल फिल्म्स की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। और कैसे हो भाई लोग? तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि आपके भाई सारे काम ईद के लपटा के बकरे ज़िबा करके गोश्त गोश्त बांट बूट के सब कुछ करके फारिग हो चुके हैं और कुछ सोचा कि कंटेंट बना लिया जाए क्योंकि दोस्तों से आ नहीं रहा था। उसके लिए तहे दिल से माजरत। समझा करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद है तो ईद पे सारे रिश्तेदार वगैरह आते हैं और मिलते हैं, लेकिन यहाँ सीन कुछ अलग है कि हमारा कज़न आते साथ कहता है यार शूट शूट शूट, जब से आया हुआ तंग करी जा रहा है तो अब ऐनक लेने गया है, तो अब चलते हैं शूट की तरफ। जैसा कि आपको पता ही होगा हमेशा ही करते हैं। कमाल सा पोज लगा। आप पोज भी हम बताएं। हाँ वही शूट करने आते हो तो फिर खुद ही पोज डिसाइडेड क्या है करो। अल्लाह अल्लाह करके इनको एक पिक्चर पसंद आई है तो कहते हैं बैठ कर लो, कभी कहते खड़े हो के लो, कभी कहते हैं सर ऊपर टांगे नीचे करके। आओ थोड़ा मुंह ऊपर करवा मैं। चलो अब इनको एक फिर इन्होंने रिजेक्ट कर दी। ऐसे ही है बार बार रिजेक्शन पर रिजेक्शन, जैसे पिक्चर ना हो गई ड्राइविंग लाइसेंस में फेल हो गए। काफी ज्यादा खुआरी के बाद अंदर आ चुके हैं और अभी भी पसीने से शराब बूर है, तो अब कुछ सोच रहे हैं कि अब कुछ एक्साइटिंग कुछ अलग क्या किया जाए। ऐसे आपने भाई की ताऊ मुझे देखी है ऐसे गोल, आहिस्ता आहिस्ता और हो जाएगी, मजा ही अलग होता है। तो अब वैसे भाई हम सभी तस्वीरें निकलवा के जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है इनके घर जाने के बाद हम इनको तस्वीरें नहीं देते। हफ्ता तो इंतजार कराते हैं क्योंकि कहते हैं ना यार कुछ बोल भी लो हम चीजें मजदूर के मजदूरी उसका पसीना होने से पहले दे दो, मजदूरी नहीं देते तो इसलिए हम इनको थोड़ा तंग करते हैं और जबरदस्ती बंदूक की नोक पे ये तस्वीरें निकलवा रहे हैं हमसे। वो ऊपर वाली भी तो ले। तो जैसा कि आप लोगों को कहा था कुछ क्रेजी करेंगे कुछ एक्साइटिंग, तो अभी हमने दोनों अभी हमारे जो कज़न थे वो आए हुए थे अपनी 125 पे और मेरे पास जैसे आपको पता है YBR थी, तो हमने कहा थोड़ी सी एक रेस लगाई जाए, छोटी सी एक ड्रैग रेस और चेक की जाए किसकी पीक और स्पीड में क्या फ़र्क है। तो अभी दोनों गए हुए हैं तो अभी वैसे रेंडमली हुई है, एक सोच रहे प्रॉपर शूट करके दिखाते हैं आप लोगों को ताकि मज़ा भी आए। तो मैं खुद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ ये देखने के लिए किसकी पिक ज़्यादा है। तो यहाँ हमारे पास पाकिस्तान का नेशनल बाइक होंडा 125 मॉडल 14 और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास यामाहा YBR 125G और 2019 मॉडल है अभी, बस ऐसे ही है। तो आपके यहाँ से कौन जीत सकता है? 125। आपने YBR चलाया, आपको कैसा लगा है YBR? YBR और YBR और इसमें 125 में आपको क्या फ़र्क लगता है? YBR की परफॉर्मेंस बेहतर मुझे जहाँ तक लगी, लेकिन पिक वाइज 125 ऊपर। आप पिक वाइज तो 125 है और लोग लेते भी इस वजह से हैं, तो अब चेक करते हैं और टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कुछ। जैसे कि देख सकते हैं दोनों कॉम्पिटिटर लाइन में खड़े हो गए हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दोनों ही शौक में हुए हैं।
क्या करना है, कैसे स्टार्ट करनी है? आप 1 2 3 ऊंची से गाना तो फिर स्टार्ट करते हैं, वहाँ एंड तक घोड़ा चौक जो है वहाँ तक जाएंगे। ठीक है चलो 2 3 स्टार्ट। जीता कौन है? तो जैसा कि दिख रहा है कि शायद 125 जीत गई है। मेरे से गलती से, क्योंकि मैं अभी 125 की टेस्टिंग ले रहा था। सेकंड अटेम्प्ट एक मैं भी खाने जैसे बहुत करते हैं भाई। अब मैं कह रहा हूँ लेफ्ट पे आना, राइट पे आना, देख तो वही गलती से वो 70 चला चला के ना कभी इनका गियर अड़ जाता, कुछ हो जाता। चलो रेडी स्टडी एप्पल गो। तो इस बार भी लग रहा 125 लगता है जीत गई है। तो पिक तो उसकी अच्छी है, लेकिन लॉन्ग के लिए यामाहा वाई भी और ज़्यादा अच्छी है। और देखते हैं क्या, एक दफ़ा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो अभी तक मैं वैसे वाई बी आर हारती भी नज़र आ रही है, या तो मैं गलती कर रहा हूँ या क्या चक्कर है। तो अब हम राइडर्स एक्सचेंज करके देखेंगे क्या सीन है। मैं 125 चलाऊंगा और बहाने बहुत किए हैं फिर भी नहीं जीते, और फहद मेरे छोटे भाई चलाएंगे वाई बी आर। अब देखते हैं कौन जीतता है। ड्रैग रेस करने के बाद और शदीद गर्मी से नहाने के बाद हम फिर घर चले गए और रेस्ट किया। और अब फिर कज़न घर चले गए, उनको काम थे। तो इट वाज अ फन डे, मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा। और थकन पता नहीं क्यों हुई नहीं आज, अजय सुबह के उठे हुए और सोए भी नहीं है। रात को 3-4 घंटे सोए थे और फिर उठ गए जल्दी नमाज के लिए ईद की। और एक और उसी की बात, आपके भाई ने गाड़ी चलाना सीखी है कुछ थोड़े दिनों पहले, और बस यही है। तो आप ऐसी वीडियोस भी आया करेंगी जिसके अंदर आपका भाई गाड़ी चला रहा होगा और पीछे गाड़ी आ रही है सीविक इन ब्लैक कलर। कैसा ये जो कोड़ा चौंक हम वीडियो में कह रहे थे ना, वो ये थी। तो ड्रैग रेस के दौरान जो कोड़ा चौंक का नाम हम ले रहे थे वो ये था कोड़ा चौंक। तो बस यही था। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और मैं दोबारा से आप सबको कहना चाहूँगा बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मैं ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।